फ्रेंड्स आइए इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में देखते हैं। तो हेडिंग है हमारी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की हिंदी में क्या पहचान होती है देखिए। हिंदी वाक्य में इसकी पहचान होती है क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है या फिर ताहूं, ऐसे शब्द जुड़े होते हैं। मतलब हिंदी सेंटेंस में जब क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहूं ये शब्द जुड़े होते हैं तो समझ जाइए कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसका इंग्लिश रूल क्या होता है देखिए। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ई एस और एस वर्ब में तब जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये वाले रूल से बनाएं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर है आई और वर्ब है खेलता हूं तो इसकी इंग्लिश होती है प्ले, आई प्ले और क्रिकेट। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आई के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, आई को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर इसी सेंटेंस की जगह हम ये वाला सेंटेंस बनाएं जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो अब यहां पर ही आई के साथ प्ले में एस नहीं लगेगा लेकिन ही के साथ प्ले में एस लगेगा, ही प्लेस क्रिकेट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। एस या ई एस लगाने से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और भी सेंटेंस है जैसे वे बाजार जाते हैं तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा दे गो टू मार्केट। अब यहां पर दे सब्जेक्ट है और दे जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल में रहता है इसलिए यहां पर गो में एस या ई एस नहीं लगा। अगर इसी सेंटेंस को आप ही के साथ बनाएंगे यानी कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है तो ये हो जाएगा ही गोस टू मार्केट। इस तरीके से तो ही के साथ आप ऐसी ई एस वाली वर्ब लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आई यू वी दे ये चार होते हैं और इनके अलावा अगर चीजें ज्यादा हों या इंसानों की ज्यादा की बात हो रही है तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जैसे इनके अलावा अगर आप ये लिखें द मैन तो एम ई एन इसका मतलब हो गया आदमी यानी कि ज्यादा है और द चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे तो यहां पर ये ज्यादा है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे वाले। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे ही है, शी है, इट है और एक के बारे में जब बात होगी जैसे द मैन या फिर द चाइल्ड तो ये एक एक को डिनोट कर रहे हैं मतलब एक को बता रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ एस या ई एस वाली वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट्स में वर्ब के साथ ऐसी ई एस वाली वर्ब नहीं लगती। जैसे सेंटेंस है आई रीड
मैं पढ़ता हूं, अगर इसी सेंटेंस को आप ही से बनाएंगे तो आपको रीड में एस लगाना पड़ेगा, ही रीड्स करनी, और शी के साथ भी आपको एस लगाना पड़ेगा, शी रीड्स हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आ जाए, जैसे बच्चा पढ़ता है, द चाइल्ड रीड्स, यहां पर आप एस लगाएंगे क्योंकि बच्चा एक है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं, और इनकी पहचान हिंदी सेंटेंस की और इंग्लिश सेंटेंस की आप देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एस या ईएस वाली वर्ब भी अगर आ रही है सब्जेक्ट के फौरन बाद, तो वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं।